अगस्त वायदा की एक्सपायरी के बाद एमसीएक्स पर इस साल 1100 किलो सोने का रिकॉर्ड डिलीवरी हुई है। यहां पर क्या फिर उस लिहाज से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए एडवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज की रेनिशा चनानी हमारे साथ मौजूद है। रेनिशा, मॉर्निंग। सबसे पहले ये जो पूरा कल के सत्र में तेजी का मूड दिखा और आज एकदम सपाट ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है, क्या आपको इसका एक रिपीट परफॉर्मेंस आने की संभावना है, जिस तरह से यूरोप से डेटा निकल रहा है या फिर ओवरऑल जो संकेत मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से? हाय, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है गोल्डन सिल्वर ओवरऑल एक बेरिश ट्रेंड में है, अंडरटोन अभी भी नेगेटिव है, बट जो देखा जाए इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, इस वजह से थोड़ी बहुत सेफ हेवन बाइंग आ रही है। कल का जो अप ट्रेंड था वो सिर्फ इसी वजह से आया था कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने कहा है कि जिस कंट्रीज ने, जैसे यूएस और यूरोप ने उन्हें सेंक्शंस लगाए हैं, वो उन्हें रिट्रेट सेंक्शंस लगाएंगे। लिस्ट ऑफ कमोडिटीज अभी भी डिसाइडेड नहीं है किस पे सेंक्शंस लगाए जाएंगे, बट एग्रीकल्चरल मीट, एनिमल्स, काफी ऐसी कमोडिटीज है जो रशिया एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज को, और उसमें एक निकल भी ऐसा बहुत बड़ी कमोडिटी है जहां पे एक्सपोर्ट की जाती है। सो आई थिंक ये एक फैक्टर है जो प्राइजेस को थोड़ा बहुत अप ट्रेंड में ला रहा है कमोडिटीज को, एंड पर्टिकुलरली अगर आप गोल्ड की बात करें तो ये सेफ हेवन बाइंग आ रही है। आई डोंट थिंक ये सस्टेनेबल है रैली, जब तक ये फ्रंट बर्नर पर रहेगा जियोपॉलिटिकल टेंशन का इशू, तब तक प्राइजेस थोड़ा बहुत सपोर्टेड रहेंगी। $1320 इज आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल टू वॉच फॉर एट कॉमेक्स। एमसीएक्स पे भी आई डोंट थिंक प्राइजेस वुड सस्टेन अबाउट 28,700-800 काइंड ऑफ लेवल्स। तो मेरा व्यू रहेगा अगर आज 28,550 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करती है तो सेलिंग की जा सकती है इनफैक्ट, एंड वी कुड सी टारगेट्स लाइक 28,400 ऑन द लोअर साइड। ओके, लेकिन कंसीडरिंग एक जो सबसे बड़ा ट्रिगर स्पेस में यही है कि सेफ हेवन बाइंग हो रही है, अगर इस समय अब तक किसी ने निवेश नहीं किया है सोने में, क्या एक मौका है सोने में पैसे लगाने का? थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन तब भी तेजी का प्ले बाकी है। नो, आई डोंट थिंक सो कि बाइंग साइड में रहना चाहिए, ओवरऑल सेल ऑन रैलीज का ही मेरा व्यू रहेगा। आई थिंक बाय नेक्स्ट ऑफ वन मंथ हम देख सकते हैं प्राइजेस शायद 27,000 के आसपास भी ट्रेड करें, सो बाइंग आई विल नॉट रिकमेंड। ये सेल ऑन रैलीज का व्यू रखिए, थोड़ा थोड़ा हायर लेवल्स पे सेल करते रहिए विद इन 2 or 3 क्वांटिटीज 200-200 पॉइंट की रैलीज पर, एंड नीचे में अगेन यू कैन सी 1,000 rupees का डाउन साइड यहाँ से मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर 1,000 रुपीज की डाउनसाइड की संभावना है, तो शायद बिकवाली की पोजीशन आप अपनाएं, हर उछाल पर बिकवाली करें, रनिशा यही कह रही है सोने में। क्या चांदी में भी यही रणनीति आप अपनाएंगी? यस, आई थिंक सिल्वर में भी फंडामेंटल्स आर स्टिल वीक, एंड इंटरनेशनली $20 का एक सपोर्ट लेवल है, प्राइसेस उसके आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे हमने देखा है काफी वीकनेस बनी हुई है, आई थिंक यहाँ से और डाउनसाइड देखा जा सकता है, तो और सेलिंग की जा सकती है फॉर इंट्राडे। इनफैक्ट आई थिंक 43,000 के नीचे प्राइसेस और सस्टेन भी कर सकती है, सो ओवरऑल सेल ऑन रिलीज का व्यू रहेगा इनफैक्ट सिल्वर में भी। ओके, ये सिल्वर में भी एक हाईस पर एग्जिट करने की पोजीशन ले, बिकवाली करें। 43,500 के टारगेट के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लॉस इस ट्रेड में 44,200 पर लगाने की सलाह शनिशा इस समय दे रही हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक मॉटी राउंड अप में, लेकिन आगे रिडार पर रहेगा कच्चा तेल जो $97 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया है। अब भारतीय बाजारों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ऐसे माहौल में, इसका जायजा लेंगे आगे। फोकस अब कच्चे तेल पर रखेंगे कमोडिटी राउंडअप में, जहां पर हमने देखा है रुपए की शुरुआती रिकवरी कम होते ही घरेलू बाजार में कच्चे तेल में फिर से कुछ उछाल देखा गया है, हालांकि भाव अब भी 6,000 रुपए के काफी नीचे हैं। NYMEX पर अगर आप गौर करें तो $97 का साथ इसने छोड़ा है, 96-95 के आसपास ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में जो डेटा आया है उसमें कुछ गिरावट देखी गई, उसके बावजूद कीमतों को खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। रनिशा, क्या रणनीति होगी, क्योंकि कल जो डेटा निकल कर आया उसमें कुछ गिरावट आई है, तो
जाहिर तौर पर कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। आई थिंक क्रूड ऑयल में ओवरऑल जो ट्रेंड था वो नेगेटिव है पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट आप एक महीने से कहेंगे तो प्राइसेस में 10% जितना गिरावट देखी गई है। एंड ओवरऑल अंडरलाइंग फंडामेंटल्स जो है वो काफी वीक है, सप्लाई साइड को इश्यूज नहीं है एक्सेप्ट जियो पॉलिटिकल टेंशन जो प्राइसेस को सेफ एंड बाइंग की तरफ से ऊपर ले गए थे, बट हमने जैसे देखा कि कुछ सप्लाई ग्लट्स नहीं आए, प्राइसेस में करेक्शन देखा गया है। आई थिंक जो $100 के ऊपर जो रैली थी दैट वॉज नॉट सस्टेनेबल, जो फंडामेंटली देखा जाए तो जो प्राइसेस इस समय पे ट्रेड होनी चाहिए दैट इज अराउंड $90 अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स। तो मुझे लगा यहाँ से और डाउनसाइड अभी भी बाकी है, थोड़े बहुत ग्लिचेस आएंगे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से प्राइसेस में थोड़ा बहुत रनअप आएगा, बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल, सेल ऑन रिलीज का ही व्यू रखना चाहिए। आई थिंक 5850-5800 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं अगले 10-15 दिनों में। सो आज भी मेरा इंट्राडे भी सेलिंग का ही व्यू रहेगा, 5980 के आसपास सेलिंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 6040 एंड नीचे में टारगेट 5900 तक एक दो दिनों में देखे जा सकते हैं। ओके फेयर इनफ, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो लार्जली फ्लो बना हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आपको लग रहा है कि संभावना है $95 को भी ब्रीच करने की, क्या वैसा माहौल अब तक बना है और क्या दायरा आप देखेंगी इस समय इंटरनेशनली कच्चे तेल में? आई थिंक फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स $90 से $100 के आसपास इस रेंज में प्राइसेस को ट्रेड करना चाहिए। फंडामेंटली जैसे मैंने कहा $90 इज अ गुड सपोर्ट लेवल, एंड अगर रशिया पे सैंक्शंस बढ़ते रहे और कुछ प्रॉब्लम्स यूक्रेन एंड इराक में कल चलते रहे तो प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा एंड थोड़ा बाउंसेस देखा जाएगा टूवर्ड्स $100। सो फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स $90 to $100 की रेंज रहेगी यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर एक क्लियर कट रेंज डेफिनेटली बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 5900 तक भाव भारतीय बाजार में फिसलने की पूरी पूरे चांसेस है। चनीशा, नेचुरल गैस में इस समय किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है आपके लिहाज से? नेचुरल गैस में काफी प्राइसेस ओवरसोल्ड थी एंड हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम आउट अभी हो चुकी है। यूएस में जो वेदर है काफी वार्मर है एंड वहां पर नेचुरल गैस का काफी यूज हो रहा है पिछले एक हफ्ते से अकॉर्डिंग टू द नेशनल वेदर सर्विसेज। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत प्राइसेस में अपसाइड थोड़ा बाकी है, 2046 से 250 तक भी प्राइसेस ऊपर में जा सकती है। सो बाइंग कुड बी इनिशिएटेड अराउंड 242 काइंड ऑफ लेवल्स विद द स्टॉप लॉस ऑफ 239। मुझे ये रैली और थोड़ी बाउंस करती हुई दिख रही है 246 248 लेवल्स तक। ओके तो 246 248 तक जाने की संभावना है, तो तेजी का सिलसिला नेचुरल गैस में दिखाई दे रहा है लेकिन कच्चा तेल दबाव के घेरे में रहेगा। लेंगे एक ब्रेक, बेस मेटल्स में क्या स्थिति है उस पर एक कॉल लेंगे आगे। कमोडिटी राउंडअप में मेटल्स का जायजा लेंगे, लेकिन आपको बता दें रुपए में जो भी गेंस देखने को मिले थे सुबह के ट्रेड में वो हवा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुपया आप देखिए अब 61.45 पर आ गया है, इनफैक्ट 61.26 तक का हमने इसे रिकवर होते देखा था और उसके बाद फिर से दबाव के घेरे में आया है। कल इनफैक्ट 30 पैसे तक की कमजोरी रुपए में बनती हुई दिखाई दी थी, इस समय हम देख रहे हैं करीब 4 पैसे की कमजोरी बनी हुई है, तो प्रेशर फिर से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है रुपए में। और वीकनेस एंटिसिपेट आप कर रही हैं रुपए में और डिप्रिसिएशन? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि रुपी में अभी भी डेप्रिसिएशन ट्रेंड थोड़ा बहुत कंटिन्यू रह सकता है। हम देख सकते हैं 62 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। द प्रॉब्लम इज रुपी इतना वीक नहीं है बट डॉलर काफी स्ट्रांग हो रहा है, बिकॉज पिछले कई दिनों से जो यूएस के डेटा आ रहे हैं दैट हैव बीन वेरी पॉजिटिव। आप जीडीपी डेटा देखिए, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो परसों आया था दैट वॉज एट द हाइएस्ट लेवल अबव 58 काइंड ऑफ लेवल्स, तो काफी अच्छी रिकवरी देखी गई है यूएस में जो
जिस वजह से डॉलर काफी स्ट्रांग हो रहा है, इसी वजह से हम रूपी को डेप्रिशिएट होता हुआ देख रहे हैं. सो और थोड़ी बहुत अपसाइड यहाँ से 62 लेवल्स तक देखी जा सकती है. ओके, 62 तक जाने की संभावना क्लियरली है. और एक फैक्टर यह है कि रुपए में कमजोरी इनफैक्ट के ज्यादा कारण नहीं है, डॉलर ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है बाकी करेंसीज के सामने, और उसी का प्रेशर यहाँ पर रुपी पर भी आ रहा है. दूसरी तरफ आप देखिए बेस मेटल्स का क्या हाल है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में. कल हमने देखा था एक मेजर क्रैक आया था कॉपर में, एलुमी पर $7,000 के नीचे फिसला कॉपर. इंडियन मार्केट्स में आप देखिए करीब 432 पर ट्रेड बनते हुए दिखाई दिए हैं. इनफैक्ट इटली और जर्मनी के खराब आर्थिक आंकड़े आए और उसी की वजह से कॉपर की कीमतें कल प्रेशर में थी. जर्मनी का फैक्ट्री ऑर्डर पिछले 3 साल के लोस पर है. यूरोप की इकोनॉमी को लेकर हमने फिर से चिंताएं आती हुई दिखाई दी है. और चाइना फैक्टर अगर आप नजर में रखें तो एलुमी के गोदामों में निकल का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. ऐसे में सबसे पहले कॉपर कंस्ट्रिंग इसने 7,000 के लेवल्स को कल इंटरनेशनल मार्केट्स में तोड़ा और यूरोप के डेटा बहुत खराब है. रेनिशा कितना फिर प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है इंटरनेशनली और इंडिया में, फिर कॉपर में आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी क्योंकि अगर रुपए में भी हम देख रहे हैं फिर से वीकनेस लौट रही है. जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे यूरोप की कंसर्न्स आ रहा है इस वजह से बेस मेटल प्राइसेस में थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है. बट आई थिंक एक टग ऑफ वॉर बना हुआ है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में. एक तरफ से हम देख रहे हैं कि यूएस के जो इकोनॉमिक डेटा से काफी अच्छे आ रहे हैं जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं. इनफैक्ट चाइना में भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखी गई थी इनिशियली, बट 2 दिन पहले जब चाइना की पीएमआई डेटा रिलीज हुआ था डेट वॉज बिलो 50 लेवल, जो दिखा रहा था कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, इस वजह से प्राइसेस में थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है. अब कल जैसे जर्मनी फैक्ट्री ऑर्डर्स की डेटा है वो -3%, दैट वॉज ऑल्सो नेगेटिव. सो आई थिंक अभी भी प्राइसेस में एक ऐसा ट्रिगर नहीं आ रहा है कि जो एक सस्टेन्ड रैली ला सके. आई थिंक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज चलेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज अनलेस वी सी अ न्यू ट्रिगर. पर ओवरऑल मुझे लग रहा है अभी भी अंडरटोन बुलिश ही रहेगा क्योंकि देखा जाए तो फंडामेंटली काफी सप्लाई गट्स हैं काफी सारे बेस मेटल्स में, जिंक में, एल्यूमिनियम में काफी सप्लाई कंसर्न्स आ रहे हैं. सो मुझे अभी भी अपसाइड वेरी दिख रही है बट आई वुड प्ले वेरी शॉर्ट टर्म. आज इंट्राडे अगर खेलना हो तो 432 के आसपास कॉपर में बाइंग की जा सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 429. हम 435-36 के टारगेट्स देख सकते हैं. इवन जिंक में भी मुझे अच्छा लग रहा है, बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 147. कल इनफैक्ट निकल का एक ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि फंडामेंटल्स काफी वीक है, इन्वेंट्रीज एट ऑल टाइम हाई. एक बाउंस देखा गया था दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ रशिया कंसर्न, जहां पे एक्सपोर्ट बैंस की एक न्यूज आई थी, इस वजह से थोड़ा मार्केट में सस्पिशन बढ़ा था कि प्राइसेस में उछाल आ सकता है. सो थोड़ा बहुत निकल में भी बाइंग की जा सकती है फॉर इंट्राडे, बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं है बट येस फॉर इंट्राडे बाइंग इनिशिएट की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 1170. ओके, तो निकल में एक अपॉर्चुनिटी है 1170 के टारगेट के लिए और ऑफ कोर्स कॉपर में भी 435 और जिंक 147 के लेवल्स तक जा सकता है. रमेशा लेकिन सबसे ज्यादा अगर वो कौन सा ट्रेड होगा जहां पर मैक्सिमम गेन्स मिलते हुए दिखाई देंगे, आपकी टॉप पिक क्या रहेगी इन तीनों कमोडिटीज में इस समय? आई थिंक आउट ऑफ ऑल बेस मेटल्स जिंक हैज द वेरी गुड फंडामेंटल्स. इस साल हम देख सकते हैं काफी डेफिसिट रहेंगे पिछले 2-3 साल के सरप्लसेस के बाद एंड काफी जिंक माइन क्लोजर्स भी आने वाले हैं. तो मेरा फेवरेट पिक जिंक रहेगा. ऑन अ पोजिशनल बेसिस आई एम एक्सपेक्टिंग 150 तक भी प्राइसेस जा सकती है अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा एंड कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं आया. तो आई वुड प्ले ऑन जिंक एंड रिकमेंड जिंक फॉर बाइंग फॉर द टारगेट्स ऑफ 150. ओके, तो जिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय 150 का टारगेट के लिए आप पोजीशन ले. आज का टारगेट 147 रनिशा ने दिया. शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए. कोई डिस्क्लोजर? नो, आई डोंट होल्ड एनी पर्सनल पोजीशन बट यस हमने अपने क्लाइंट्स को सारी कमोडिटीज में रेकमेंड किया हुआ है. धन्यवाद आप समय निकालने के लिए. इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में इतना ही, लेकिन आगे नजरें होंगी वायदे बाजार के ट्रेड पर. कंसीडरिंग इक्विटी मार्केट में फिर हम देख रहे हैं सेल ऑफ आ गया है. सेंसेक्स 85 पॉइंट नीचे, निफ्टी भी 24 अंकों की गिरावट पर कर रहा है कारोबार. बने रहिए, आगे लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस.